साइंस में लाइट चैप्टर में भी बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन सही नहीं किए। लाइट और कार्बन कंपाउंड दो भी इलेक्ट्रिसिटी में तो ठीक ठीक किया है सबने, लेकिन दोनों अब देखो। सो दैट इज वी हैव लर्नड अबाउट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, हाउ द इलेक्शंस आर कंडक्टेड एंड सेवरल कैंडिडेट्स, वेदर ऑफ एनी पार्टी और वेदर दे आर इंडिपेंडेंट, निर्दलीय, जानते हो ना, जिसका कोई दल नहीं होता। ऐसे लोग भी तो चुनाव में खड़े होते हैं, पार्टी टिकट नहीं दे, और लेकिन आपका एस्पिरेशन नहीं, हमें तो जनता पसंद करती है, तो आप बिना टिकट के भी हो सकते हो। सो इंडिपेंडेंट मेंबर्स थोड़े जीतते हैं, ज्यादा नहीं जीतते हैं, बट दे ऑल्सो। सो दैट इज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का क्या मतलब है कि द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, दैट इज हमारे यहाँ एक इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है, जो कि दिल्ली में स्थित है उसकी मेन ब्रांच, और स्टेट वाइज भी बहुत जगह उसकी ब्रांचेस हैं जो उसको वो कंट्रोल करता है। तो इट कंडक्ट्स फ्री एंड फेयर इलेक्शंस थ्रू आउट द कंट्री, वेदर इट इज असेंबली इलेक्शंस या तो वो राज्य का चुनाव हो। असेंबली इलेक्शंस किसके लिए कंडक्ट किए जाते हैं? सीएम बनाने के लिए, मतलब उसके उसमें किसके मेंबर चुन के जाते हैं और वे कहाँ बैठते हैं? एमएलएज होते हैं, वे कहाँ बैठते हैं? That is, जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधान सभा में बैठेंगे कि विधान परिषद में? विधान सभा में बैठेंगे। और ये बताइए, जनरल इलेक्शन से जो आम चुनाव है वे किस लिए होते हैं? लोकसभा में सीट के लिए, एमपीस बनने के लिए। एमपीस बनने के लिए, तो लोकसभा के लिए एमपी होते हैं, इतना तो हमें पता है। तो हम ये देख रहे हैं कि भारत एक थ्री टीयर का फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब है इफ द सेम पीपल आर गवर्नड बाई मोर देन वन टीयर, तो उसको कहते हैं तुमको राज्य सरकार भी चलाती है, तुमको यहाँ का पार्षद भी चला रहा है, तुमको केंद्र सरकार भी चलाती है, यू आर गवर्नड बाई थ्री टीयर ऑफ गवर्नमेंट्स। तो उस चीज को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कि भारत एक संघ है। संघ का मतलब है संघ शासित देश, तो फेडरल स्ट्रक्चर हमारा। सो फेडरलिज्म का मतलब क्या है? इफ एनी रीजन और एनी कंट्री हैज मोर देन टू और मोर देन टू different forms of government, means same citizens are ruled by two or three different tiers of government. If ये country, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई country क्या करे, has two or more tier of government, tier of government, हमारे यहाँ पंचायती राज आने के बाद इस समय पावर शेयरिंग बहुत ज्यादा डीप रूटेड हो गई और 20 लाख से ज्यादा लोग इस समय पावर शेयरिंग का मजा ले रहे हैं। दैट इज, इट इज सो एक्सटेंसिव। पहले जो 20,000 तक थी, लेकिन सरपंच और पार्षद के बनने के बाद हमने बहुत छोटे छोटे स्तरों पर पावर शेयरिंग की है, तो इससे लोगों का एस्पिरेशन बढ़ा और डेमोक्रेसी और मजबूत हुई है। अब ये बहुत कॉमन लेवल तक पहुंच गई। तो इसलिए हमारे यहाँ टू और मोर टीयर ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें थ्री टीयर हैं, जो कि एक सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कितने अलग, देयर आर थ्री ब्रांचेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जो केंद्र सरकार है उसके तीन कौन कौन से ब्रांच है, ठीक है, तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, न्यायपाल, ये होता है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का क्या मतलब है कि जो कानून बनाए, और कार्यपालिका उन कानून की पालना करवाए, सो दैट इज पालना करवाए, एग्जीक्यूशन का है, एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ, और ये मेकर्स ऑफ लॉ है, कानून का पालन करवाना, और कानून का उल्लंघन करने पर इफ somebody violates law then it punishes, so punishes, if someone violates law, तो इसलिए ये न्यायपालिका हुई।
हर स्तर पर यही क्रम रहेगा। तो अब हमारे यहाँ जो विधायिका है, विधि का मतलब क्या होता है? विधि का मतलब होता है कानून, और संविधान जिसमें सभी कानून हो, कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का मतलब है कानून की किताब, कानून का संग्रह, संग्रह। और जो सबसे बड़ा कानून बनाने वाला है उसे क्या कहते हैं? विधाता, यानी भगवान, गॉड। इसी तरीके से विधि तो तुम समझ गए ना, विधि का मतलब क्या होता है? विधि में तेरी कथा लिखी है, कांसू में कलम डुबो, तेरा दर्द न जाने को, पिंजरे के पंछी रे तेरा। तो विधि में तेरी कथा लिखी है, आंसू में कलम डुबो, पिंजरे का पंछी है। वैसा तुम्हारे में गणित की बुक में भी था कि वो ना दो वो उसके हम सोने के पिंजरे में मत रखो ना, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बद्ध न रह पाएंगे और कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, है बात कि नहीं? तो उसी तरीके से विधि तो पता चल गई। तो लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव के यहाँ दो अलग अलग पार्ट, कानून बनाएगा। तो इसमें एक है लोकसभा, That is lower house, और एक अपर हाउस। लोअर हाउस एंड अपर हाउस एक ही संसद में बैठते हैं, जिसमें से हाफ एक लोअर हाउस है जहां पर ग्रीन सब कुछ होगा, और जहां रेड होगा उसको क्या कहेंगे? लोअर हाउस। और ये अपर हाउस जिसको हम लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ बाई कैमरल सिस्टम है। तो कैसी व्यवस्था है बताइए, बाई कैमरल का क्या मतलब है? भाई कैमरा, उसने साक्षी ने पूछा था, बोलो तुम्हारा एक ऑप्शन था कि नहीं, तो उन्होंने बताया था द्विसदनीय व्यवस्था। तो हमारे यहाँ कैसा सदन है? एक निम्न सदन है और एक उच्च सदन है। तो इसलिए इसे अपर हाउस कहते हैं, जिसको राज्यसभा कहते हैं। और इस सिस्टम को क्या कहते हैं? बाई कैमरल, द्विसदनीय, द्विसदनीय व्यवस्था है। अब यहां पर ये देख लो कि जो अपर हाउस है उसमें यहाँ जो सभापति बैठता है, यहाँ सीट्स होंगी, तो वो वाइस प्रेसिडेंट बनेगा। तो वाइस प्रेसिडेंट इज द चीफ ऑफ अपर हाउस, ठीक है? सो और इसका कौन होगा? दैट इज स्पीकर। तो स्पीकर जैसे ओम बिरला है, तो वो ज्यादातर जो बहुमत की पार्टी का होता है वही इसका हेड बना दिया जाता है, तो वो सारी गतिविधियों को कंडक्ट कराएगा, उसको सबको बोलने दिया जाएगा। लेकिन वो जैसे कभी कांग्रेस का बोलेगा, हाँ आप बोलिए, आपने क्या क्वेश्चन पूछा, अब बैठो, चुप बैठो, आप तुम बोलो, हाँ ठीक है, वो बोलेगा नहीं, पांच मिनट के 10 मिनट बर्बाद देगा, क्योंकि उसी को लोगों ने बनाया है। तो एक तरीके से मैनिपुलेट करता है, उसको सबको इक्वल टाइम देना चाहिए, लेकिन उसे मालूम है कितना किसको देना है किसको नहीं देना है। और ये जो वाइस प्रेसिडेंट है, जैसे जगदीप धनखड़, तो वैसे वो राज्यपाल थे, गवर्नर थे पश्चिम बंगाल के, तो उनको यहाँ पर सम्मान दिया गया। तो ये स्पीकर होता है, और यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, अगर इसको लोअर हाउस क्यों कहा जाता है, इसको अपर हाउस क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो लोअर हाउस है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का टॉप मोस्ट ब्रास कौन होता है? टॉप ब्रास, सबसे बड़ा व्यक्ति, बोलो, प्रेसिडेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार है उसमें सबसे प्रथम व्यक्ति कौन है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट किसको डिसॉल्व कर सकता है? लोकसभा। वो अपर हाउस को नहीं कर सकता, और इस वजह से इसे इट कैन बी डिसॉल्व एनी टाइम बाय प्रेसिडेंट, इसलिए लोअर हाउस, ठीक है? और इसको नहीं किया जा सकता। अभी हम बताएंगे कि क्या हो रहा है, लेकिन इतना है, समझ में आ गई बात? तो इसलिए इसका सबसे बड़ा प्रथम व्यक्ति, और भारत का ही वो प्रथम व्यक्ति, उसे क्या कहेंगे? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के हाथ में तीनों आर्मी भी रहेंगे, इसको कोई शपथ नहीं दिलाता, और ये जो वाइस प्रेसिडेंट है ये भी प्रेसिडेंट ही बनता है, इसलिए इसकी भी ओथ टेकिंग सेरेमनी नहीं होती। इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, कोई अगला कार्यकाल के लिए भी प्रेसिडेंट चुना जा सकता है। अब देखिए जो यहां पर है ये 543 सीट्स हैं, और जबकि 245 सीट्स हैं। तो अगर बहुमत चाहिए कहीं पर, तो इसमें रोमिन कितना बहुमत चाहिए बताओ जरा, हाफ से एक ज्यादा करके, बहुत देर लगा, बोलो,
मेजोरिटी रूल के लिए कितना चाहिए 272, जबकि 303 सीट अभी बीजेपी के पास है। इसी तरीके से पहले यहाँ पर ये 240 है, तो मेजोरिटी कितने की होगी 123 की होगी, अगर उससे ज्यादा हो जाए। देखो ये लोअर हाउस है, इट कैन बी डिसॉल्व, इसके द्वारा इसको भंग किया जा सकता है बाय प्रेसिडेंट। और इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने, टेन्योर कितना होता है, 5 इयर्स, इसका 6 इयर्स, तो ये 5 इयर्स का टेन्योर है, टेन्योर। और एमपी किसे कहते हैं, क्लब इसको या इनको, करेक्ट, दोनों को ही एमपी कहते हैं, क्योंकि ये पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में जो भी बैठेगा उसको क्या कहेंगे, एमपी। सो ये भी एमपी है, लेकिन लोकसभा के एमपी किसके द्वारा चुने जाते हैं, दैट इज भाई इनके लिए कंपेनिंग करनी पड़ती है, इलेक्शन करना पड़ता है, और जबकि ये सिलेक्शन से होते हैं। जो अलग अलग विभागों के बहुत बड़े बड़े विद्वान या लॉरेट्स हैं, जैसे रेखा, लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, या और भी किसी विभाग में आईएएस आईपीएस अधिकारी बहुत अच्छा काम किया है, तो उनको यहाँ पर डिस्कशन के लिए बैठाया जाता है। तो उनको पार्टियां चुन लेती हैं, वो उसी पार्टी की आइडियोलॉजी पे चलते हैं। जैसे कोई है, जैसे रेखा कहीं और की है, और इसी तरीके से आप देखते हैं कि जया बच्चन है, तो अमिताभ बच्चन इसमें है, वो बीजेपी की आइडियोलॉजी है। जया बच्चन समाजवादी पार्टी की थी, और मुलायम यादव ने गोली चलवाई थी, इसलिए बंदी नहीं गई। मतलब सबका अपना अपना रीजन है ना कि क्यों जया बच्चन नहीं गई, क्योंकि जिस पार्टी की वो कार्यकर्ता है उसके नेता ने गोली चलवा दी थी, तो कैसे जाते हैं। तो अब यहाँ पर जो 245 है, इसके तीन हिस्से करो, बोलो एक एक में कितने आएंगे, क्या 82 और 81 तीन हिस्से करो, कितने हिस्से किए जाए बताओ इस सदन के। तो ये हुए 82 और ये कितने हुए, और सबको जोड़ के देख लो सब हो गए। जब सबसे पहले भारत बना, सिर्फ 82 ही राज्यसभा, उतने हमारे पास विद्वान थे ही नहीं। तो मान लीजिए उनको 2000 में, आपकी उदाहरण बताता हूँ कि 2000 में 82 चुने गए, तो फिर 2 साल बाद भारत बनने पर भी ऐसा हुआ था, 56 से ये ऐसा होने लगा था, मतलब 48 में हमारे यहाँ पार्लियामेंट बन गई थी। फिर 2004 में, 2002 में इनको चुना गया, और 82 उसी में डाल देगा, तुम भी बैठो, जगह है वहां पे। फिर 2006 में क्या किया गया, इनको डाल दिया गया। अब फिर 2004 में, अब फिर उसके बाद क्या, देखो दो दो साल का अंतर है। अब 2004 के बाद क्या आया, 2006, तो इनको बोला अब तुम हटो, 6 साल बैठ चुके, दूसरे 82 आ रहे, तो 6 साल का टेन्योर हो गया। और फिर इसके बाद यहाँ देखो 2006 के बाद क्या आएगा, तो फिर ये इनको हटा दिया गया, इनके भी एट हो गए, और 2000 इस तरीके से इनका विदाई समारोह होता है। उस विदाई समारोह की रिकॉर्डिंग खूब देखी जाती है, बहुत अच्छा रंगारंग प्रोग्राम होता है। तो इस तरीके से इनका जो कभी भी राज्यसभा है वो पूरी नहीं बदलती, उसमें हमेशा सीनियर मेंबर्स होते हैं, 4 साल और 2 साल पुराने सीनियर मेंबर्स। जबकि लोकसभा में जब नई लोकसभा आती है, जब पहली बैठक होती है, बहुत सारे नए चेहरे, तुम्हारा क्या नाम, तुम्हारा क्या नाम, हमारा ये नाम, तुम्हारा क्या नाम, और जबकि इसमें बहुत सारे वेटरन मेंबर्स होते हैं, अनुभवी लोग, तो इसलिए डिजॉल्व नहीं होती। इसीलिए इसे अपर हाउस कहा गया है। राज्यसभा को फाइनेंशियल मैटर पर कोई निर्णय लेने का या यहाँ कोई बिल प्रस्तुत नहीं करा जाएगा। अगर 80,000 करोड़ रुपए के नए पुल बन रहे हैं तो लोकसभा में फाइनेंशियल बिल पास हो जाएगा, राज्यसभा में पता भी नहीं चलेगा कि बिल, उस पर डिस्कशन भी नहीं होगा। तो जो फाइनेंशियल बिल है वो कहाँ पास होते हैं, लोकसभा में। तो और राज्यसभा में कोई भी चीज, अगर नए कानून बनने हैं, जो संविधान में कुछ बदलाव होने वाला है, वो सारे कानून, जैसे विमेन रिजर्वेशन बिल, तो वो दोनों जगह पास होगा। 1.5 साल पहले यहाँ पर इसकी 303 सीट थी, लेकिन यहाँ 240 में, अभी आपने कितना बताया, 123 की मेजोरिटी होती है। लेकिन अब आप देख लो, जितने स्टेट में बीजेपी गवर्नमेंट होती है, हर एक 5 MLA पर एक मेंबर यहाँ जाता है। तो नए जितने, अगर तुम्हारे स्टेट्स में जीतते जाएंगे, वास्तव में ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। किसका प्रतिनिधित्व करती है, हर राज्य के मेंबर पहुंच रहे हैं राज्यसभा में। मान लो जैसे 200 राजस्थान में है, तो इस ये कितने कर सकती है, जैसे हमने कहा 5 पे इतने, तो 5 या 10 पे होगा, तो 40 तो नहीं कर पाएगी। तो मतलब ऐसा होगा कि वहां के 20 मेंबर होंगे, तो 20 अगर हुए तो 10 पे, 10 आदमी पे, एक एवरेज लेके चलते हैं।
तो जित अगर उन्हें देखे जाएंगे, अगर यहाँ 100 कांग्रेस के हैं तो यहाँ के 10 कांग्रेस अपने मन से भेज सकती है, वो मनोनीत होते हैं, उनका ऐसे ही छोटा मोटा सिलेक्शन होता है। अब जरा देखो, ये बात थी धारा 370 हटाने की, उस समय करीब थोड़े दिन पहले की बात है, इसके 80 सदस्य थे बीजेपी के, तो अगर 80 बीजेपी के होंगे और बाकी किसके हैं बताओ, क्योंकि वहां तो दो दो साल में अचानक लहर आ गई, तो लहर के उन्माद में यहां तो सिलेक्शन हो सकता है। मान लो जैसे राम मंदिर बन गया, लहर आ गई 400-500 सीट, लेकिन तुम्हारा अगर राज्यसभा में बहुमत नहीं है तो लहर तो बीजेपी वहां नहीं आएगी, वहां तो दो साल इंतजार करो। तो इस तरीके से तुम संविधान को पूरा अदल बदल कर रख दो, सबके सामने कह दो मेरी तो मेजोरिटी है, और अब ये देखो संविधान फटा और ये रहे आज के राजा, तो देश तो ठगा रह जाएगा, हमने लहर में इनको दी तो सब बदल दी। वहां आप आश्वस्त रहिए, आपके संविधान और मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए राज्यसभा और वहां के लॉरेट्स बैठे हुए हैं, ये लेमैंस कुछ नहीं कर पाएंगे या नाड़ी नहीं कर पाएंगे जब तक यहाँ खिलाड़ी बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से ये बात समझ में आ गई। तो अब यहाँ पर तो इसका बहुमत था किसी लहर की वजह से, लेकिन यहाँ पर 80 लोग थे, तो कैसे यहाँ पर उन्होंने कश्मीर 370 हटाना था, एबॉलिश करना था, दूसरी पार्टियां इसके समर्थन में नहीं थी, इन्होंने कभी बताया ही नहीं, गुपचुप तरीके से वो चीज, किसी राज्य को अगर डिसॉल्व करना चाहते हैं अनुच्छेद, उससे भी परमिशन लेनी होगी। दो साल पहले इन्होंने गुपचुप तरीके से मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी से अपना समर्थन खींच लिया था और उसकी सरकार को गिरा दिया था, और फिर वहां के गवर्नर को हटा के अपना आदमी बैठा लिया। तुम गवर्नर हो जब हम बोलेंगे, तो बोला भेजेंगे तो तुम अपनी तरफ से, उसको चिट्ठी भेजी और उसने प्रस्ताव कर दिया कि धारा 370 हटाई जा सकती है, हमारी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं। ये किसी को नहीं पता चला कश्मीर में, सबसे ये होता है कि वहां की लोकल गवर्नमेंट का जो सुप्रीम है, अगर बोलो वहां पर एक अलग से विधानसभा होती, ये पास करती कभी, तो इसने हटा लिया, पहले उन्हीं की सरकार बनवाई, फिर उसी से समर्थन हटा लिया, फिर अपना राज्यपाल, वहां गवर्नर सबसे नंबर वन पे होता है, गवर्नर बैठा दिया अपना व्यक्ति, वो शर्मा है आज के तारीख में बैठा है, अभी मुझे पूरा नाम नहीं पता, तो वो ऐसा पंडित ही बैठा था कि वो गड़बड़ ना करे, अपना प्यादा बैठा दिया, उससे लिखवा के ले लिया, और ये चिट्ठी किसी के पास नहीं गई, हो सकता है कि उसको दिल्ली बुला के साइन करवा लिया, मुझे तो ही लगता है, क्योंकि अगर लेटर जाता तो चार आदमी यहां से पड़ जाता, साइन हो गया, स्टैंप लेके आ गया। फिर अभी इस तैयारी में थे, जबकि इनके पास 80 लोग थे, उन्होंने कहा सिंगापुर में ये देखना है कैसे सफाई कर्मचारी व्यवस्था चल रही है, और इसमें हम 40 लोगों को भेजना चाहते हैं, तो क्या विपक्षियों से पूछा तुम में से जाने को तैयार, सब लोग सिंगापुर जाना, तो जाने तो बहुत अच्छा, किसी को मालूम ही नहीं था धारा 370 हटने वाली, इसलिए चाल खेल रहे हैं। तो इन्होंने बोला आप भी, आप में से कौन कौन चले, बोले हम तो खेले खाए बहुत आए जा चुके, तुम ही लोग जाओ, तुम विपक्ष में हो, तुम्हें मौका नहीं मिलता है। सबको बढ़िया चार्टर्ड प्लेन से इन्होंने सिंगापुर भेज दिया, और वहां पर सिंगापुर जब गए तो ये हमारे सामने की बात है, इन्होंने बिल पेश कर दिया, हम लोग हैरान रह गए, फिर हम सोचे और भी हैरान रह गए कि इस राज्यसभा में ये मूर्ख लोग क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं, वहां तो इनकी अल्पमत है, माइनॉरिटी है, वहां तो ये तुरंत गिर जाएगा, और हम लोग का जो सपना था, क्योंकि उसके धारा 370 हटने के 3 दिन बाद सुषमा स्वराज मरी और उनकी आंखों में वो चमक थी कि भारत अब एक हो चुका है, तो उनको ये खुशी थी, उन्होंने अपने अंतिम शब्द में कहा कि मेरे जीते जी धारा 370 ये हट चुकी है, इसका मुझे नाज है, मैं शांति से मर रही। तो अब जब यहाँ पर प्रस्तुत किया गया, वो विदेश मंत्री थी ना एक समय, इसलिए बात बता रहा हूँ, तो इनके पास तो अल्पमत था, हम लोग सोच रहे थे ये तो यहीं पे गिर जाएगा बिल, लेकिन नहीं गिर सकता था क्योंकि 40 आदमी वहां भेजे जा चुके थे और वहां उनके मोबाइल जब्त किए जा चुके थे एयरपोर्ट में, यहां से लोग फोन कर रहे थे तुम लोग कहां हो, राज्यसभा में क्यों नहीं आया, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो मनोनीत सदस्य वहां जा चुके थे, उनके पास फोन पहुंच ही नहीं रहा था क्योंकि फोन था ही नहीं, और यहां पर इन्होंने बिल पेश कर दिया आराम से, चूंकि 80 में ये बहुमत पा गए, जो सदस्य थे उनकी वोटिंग कराई गई और ये बिल पेश हो गया, ये यहाँ पे जीत गए, और जैसे ही बिल हो गया क्लियर हो गया यहां से करने के बाद, अब लोकसभा में होना था, उनके मोबाइल उनको वापस कर दिए गए, बोला ये ट्रिप कैंसिल हो गया, जाइए भारत इसी चार्जर्ड प्लेन से, चाय आपके लिए फ्री, वापस भेज दिया। तो ये एक तरीके की स्ट्रेटेजी होती है, तो मतलब पॉलिटिक्स कैसे चलती है, नीति है। फिर अगले दिन शानो शौकत के साथ, इस बहुमत के साथ यहां भी पास हो गया, जब दोनों सदनों में पास हो गया तो वो राज्यसभा राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए गया,
कि नाउ राष्ट्रपति विल साइन इट। राष्ट्रपति भी इन्हीं का ही था जो पहले वाले थे, वो कानपुर के बगल में कौन से थे, कोट वोट पहनते थे, रामनाथ कोविंद, उन्होंने साइन कर दिया, एक घंटे के अंदर साइन कर दिया, धारा 370 हट गए, ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये अपर हाउस है और ये कैसा है, लोअर हाउस। लोअर हाउस में, लेकिन ये खुशी की बात है, धीरे धीरे इस समय इतनी तेजी में चल रहा है, यहाँ भी राज्यों में भी इसकी सरकार फैलती चली जा रही है, 3 राज्यों में तो अभी और बन गई है, राजस्थान तो उसके उतने सदस्य और आ गए, इस समय इसका बहुमत है और इसने 125 विरोधियों को, कि जो बेल में आ गए थे, यहाँ पे आ गए थे उत्पात मचाने, 125 विरोधियों को और बोला तुम भी हटो अब जाओ, 30-40 दो चार छिड़के बैठेंगे तो हम उनको चाय पानी पूछ लेंगे, वो तो शोर नहीं करेंगे, लेकिन अब भीड़ नहीं रही, जितनी मर्जी चाहे बिल पास करा सकती, इसने कराया भी, विमेन रिजर्वेशन बिल भी पास कराया और जो भी कराना हो सकता है, ये जो बजट सत्र हो इसमें भी एक दो बिल पास कराया, वैसे बजट सत्र में महत्वपूर्ण बिल नहीं पास कराए जा सकते, और चुनाव के पहले एक आचार संहिता मोड ऑफ कंडक्ट भी लग जाती है, उसमें आप महत्वपूर्ण बिल नहीं पास करा सकते, क्योंकि जनता को इन फेवर ऑफ इलेक्शन रिजल्ट आप ऐसा कर रहे होंगे तो इसलिए कुछ लग सकता है, लेकिन अगर ये बजट सत्र पहले बुला लेगी और कुछ मैनिपुलेट कर लेगी, क्योंकि फरवरी से आचार संहिता लगनी है और इसने 22 जनवरी यानी 8 दिन पहले इसने ये राम मंदिर का ये जो पुनर्स्थापना करके उसके बदले में कुछ वोट और हासिल कर लिए होंगे, तो इसलिए क्या अगर ये फरवरी में करती तो ना कर पाती। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उनको भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं और राज्यसभा, तो दिस इज नोन एज, ये हम कह सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी कही जा सकती है, ये एक सभा है, विद्वानों की सभा को काउंसिल कहते हैं, और कांग्रीगेशन का मतलब है इकट्ठा होना, उसी से वर्ड कांग्रेस निकला है, कभी भी कांग्रीगेशन किसी के इकट्ठा होने। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कुछ नियम बन गया, संविधान में बदलाव हो गया, अभी तक हमारे संविधान में 75 टाइम्स परिवर्तन हो चुके हैं, उसमें सुधार हो चुके हैं, अब ठीक है, एग्जीक्यूटिव का मतलब है जो उसको एग्जीक्यूट करा है, जैसे मान लो हमारे यहाँ डीमोनेटाइजेशन नोट बंदी हुई और तुम्हारे स्कूल के सब टीचर को बोला गया सड़क पे बेंच लगा के बैठो और जो 500 का नोट लिखे दे नाम लिख के जमा कर लेना और इस बक्से में रखना, तो तुम्हारे टीचर को करना पड़ेगा, तो यहाँ कौन आएगा, सरकार अगर कोई नया नियम बनाती है उसके एग्जीक्यूशन के लिए सब बैंक कर्मचारी लगे थे, जब नोटबंदी हुई थी पोस्ट ऑफिस में भी जमा हो रहा था, सब लोगों को लगा दिया था, इसके अलावा भी गवर्नमेंट के IAS अफसर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जो भी होते हैं, संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसी से IAS और IPS ये दोनों बन के निकलते हैं, दिल्ली में है, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहता है, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि किसी जिले का कलेक्टर बनना चाहता है या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता नहीं है, तो DM वो सबसे बड़ा होता है, वही निकालता है तुम्हारा कि 4 दिन छुट्टी रहे, तो उनका नाम कुछ है हमें आप ही याद नहीं आ रहा, बच्चे 9 के जानते हैं, हिमांशु का, तो वो करवाते हैं, तो इस तरीके से वो जोधपुर के अंदर में है, अगर रास्ते में भी कोई 4 लोग घेर के बैठे हैं सड़क जाम, आप क्यों बैठे हो, तो जो DM है वो IAS है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का, उसको कहते हैं ब्यूरोक्रेट, तो हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी है, अगर नौकरशाहों के हाथ में पावर हो तो ब्यूरोक्रेसी कहलाती, वास्तव में वो 40 साल अपनी नौकरी में रहेंगे, 20 साल में वो ज्वाइन कर लेते हैं, 60 में रिटायर होते हैं, और जबकि नेता तो अदलते और बदलते रहते हैं 3 और 4 साल, तो इनको इतना पता नहीं रहता है, उनको भी अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री, तो उनको 12 IAS अफसर मिलेंगे, गृह मंत्री को 3 IAS और जो अन्य मंत्रिमंडल है उनको 1-1 IAS मिलता है, तो वो जैसा सलाह देते हैं, जब वो भाषण बोलते हैं तो वास्तव में वो IAS की मेहनत है, तो वो सब उनको बताते हैं ये है वो है, तो इस तरीके से अगर वो करते हैं तो उन्हीं सब का माइंड चलता है, तो IAS कहाँ पे आएगा बोलो, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, तो ये उसको पालना करवाएगा, जिले में लागू करवाएगा, जिले में भी तो करवा सकता है, IPS क्या करेगा, इंडियन पुलिस जो भी सर्विसेज में IPS का वो हेड होगा, कहीं का DGP, पूरे जो स्टेट का होता है तो DGP होता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जनरल ऑफ पुलिस ऐसा होता होगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, तो वो सब ये सब IPS अफसर ही है, बड़े से बड़ा पुलिस अधिकारी होगा, तो IAS भी आएगा, इसमें टीचर्स आएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टाफ भी इसमें आएगा, CRPF भी आएगी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, तो टीचर्स भी आएंगे, बैंक कर्मचारी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टाफ, जो KV के और राज्य सरकार के टीचर है वो सब इसमें नहीं आएंगे, इतनी तो बात आपको पता चल गई, ठीक है कि नहीं, इसी में
15% IAS अलग अलग राज्यों में भी दे दिए जाते हैं। तो अब अगर कोई भी नया मुख्यमंत्री बनता है तो पूछता है कि ये हमें करना है, इसको कैसे किया जा सकता है। IAS को उसी के मुख्यमंत्री के अंदर में रहना है, IAS ज्यादा वो नहीं कर सकता गद्दारी, क्योंकि मुख्यमंत्री के हाथ में बहुत सारे नेता होते हैं, पावर होते हैं। तो चूंकि वो सेंटर का है, लेकिन उसमें से 15% को भेज दिया था अलग अलग राज्यों में, तुम अपनी विद्वता बांटो और मुख्यमंत्रियों को भी सलाह दो। तो वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बताता है ऐसे कर लो सब ठीक हो जाएगा, और इतना रुपए तुम करप्ट भ्रष्टाचार घूस भी ले सकते हो, उसमें हेरा फेरी कर लो, गबन कर लो। अच्छा पकड़े तो नहीं, कहाँ पकड़ी जाएंगे आप? तो वो ममता बनर्जी कहते हैं ठीक है तुम्हारे परिवार का सब सोना चांदी हम कर देंगे, और सब उल्लिख ऐसे ऐसे करना है। ममता बनर्जी का वो वफादार बन गया। ममता मोदी ने बोला वो IAS जो सुब्रतो बनर्जी है, जो ममता बनर्जी के साथ में, उसको वापस बुलाओ, क्योंकि हमने भेजा हम बुला सकते हैं। अब ममता बनर्जी की हालत खराब, कहेंगे अरे उनको उसी दिन से लूज मोशन हो गया, हो गई, ये क्या कर रहे हैं इस तरीके से, तो राज्यों का आप बदल देंगे। अगर भ्रष्टाचारी ना होती तो उनकी हालत खराब होती, लेकिन चूंकि उसको सब सीक्रेट पता है तो इन्होंने बुला के दूसरा आदमी भेज दिया। तो कहने आप तो राज्यों की जो फेडरल स्ट्रक्चर है वही आप तहस नहस कर रहे हो, हमारे ही पेट आदमी को, पालतू तोते को बुला लिया आपने, लेकिन उन्होंने बुला लिया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि जिस समय मोदी गए थे वहां पर बाढ़ की चर्चा करने के लिए, ममता बनर्जी आई नहीं, राज्य सरकार अगर फीडबैक नहीं देगी तो केंद्र सरकार क्या हेल्प करेगी? तो वहां इतने लोग थे, क्योंकि NDRF की टीम होती ना, नेशनल रिलीफ टीम, तो वो सब कुछ नहीं कर पाए। फिर उन्होंने तो इस तरह से वो देखा कि एक नकेल कसती रहती है। इसके अलावा भी जो कई बार ऐसे CBI और वो सब इसी के अंदर होते हैं, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट या और ऐसे भी जो डिपार्टमेंट होते हैं, ED एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय, वो सब यहाँ है। ये अलग अलग राज्यों के, वैसे तो राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वो उस राज्य का राजा होता है जब तक भ्रष्टाचार ना करे, चाहे तो विदेशों को बुलाए, जैसे गुजरात वाले अपने आप बड़े बड़े वो कर रहे हैं, चाइनीज को बुला रहे, तो कहा वो कुछ भी कर दे, केंद्र हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यही ब्यूटी होती फेडरल स्ट्रक्चर की, तो वो उस राज्य का राजा है, केंद्र का कोई हस्तक्षेप नहीं। लेकिन अगर भ्रष्टाचार करेगा तो वहां पर बहुत सारे जैसे CBI ED वो सब छापे मारेगी और तुमको अंदर कर देगी। यही होता है कि नहीं होता? इलेक्शन कमीशन इन सब किसी में नहीं आता, वो किसी के अंदर में नहीं, वो इंडिपेंडेंट संस्था है और उसको असीमित अधिकार दे दिए जाते हैं जब इलेक्शन होता है। तो ये हो गई। अब जरा थर्ड देखिए, जुडिशरी में इसमें सुप्रीम कोर्ट आ गया, तो ये चीज हो गई। और यहाँ पर जो चुनाव होंगे उसको क्या कहते हैं बताइए? दैट इज जनरल इलेक्शंस। जब हमारे यहाँ पहली बार जनरल इलेक्शंस हुए थे तो 1947 में हुए थे, उसी के साथ साथ राज्यों के भी इलेक्शंस हुए थे। राज्यों के इलेक्शंस को मनीष क्या कहते हो? असेंबली इलेक्शंस, स्टेट इलेक्शंस तो नहीं बोलते हो ना? ठीक है, तो असेंबली इलेक्शंस और इसको जनरल इलेक्शंस, और वहां उसको क्या बोलोगे? असेंबली इलेक्शंस। सब एक साथ हुए थे, लेकिन कहीं कहीं पर गठबंधन बिखर गया तो कहीं से पुनर्चुनाव हुए, भंग हो गई विधानसभा, तो आज जगह जगह अलग अलग हो रहे हैं। एक साथ होने से बहुत पैसा बचता है, खर्चा बचता है। तो अब ये एक देश एक चुनाव का फिर से आ रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन, उससे बहुत पैसा बचेगा, उसी टाइम पे पार्षद के भी हो जाए तो उसका भी एक कानून आने वाला है। अब अगला देखो, तो ये हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, अब इसी के साथ क्या आने वाली है? स्टेट। अभी यहाँ पर जो है तो हमारे न्यायमूर्ति कौन है बताइए? जस्टिस चंद्रचूड़, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़। उन्होंने दो अपंग यानी हैंडीकैप्ड बच्चियों को भी पाल रखा है, उनके कोई बच्चे नहीं। तो CJI न्यायमूर्ति, और उससे पहले जो थे वो जोधपुर के थे, जब यहाँ आते तो फूलों की माला लाद दी गई थी जब ट्रेन से उतरे, तो हमारे जोधपुर की वो शान बढ़ा चले। ठीक है, इतनी बात हो गई। और सेकंड बोलो अब स्टेट का, स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट इनको जो संसद, इस चीज को क्या कहते हैं? संसद। और जो संसद में बैठे उन्हें क्या कहते हैं? सांसद। इसमें जो बैठेगा उसे क्या कहेंगे? सांसद। और सांसद जो होंगे क्या उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहेंगे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ, ये चीज होगी। तो चाहे कहीं कहीं पर भी बैठ जाए। अब ये देखिए स्टेट गवर्नमेंट, इसमें फर्स्ट पर्सन कौन होता है किसी भी स्टेट का?
दैट इज राज्यपाल. वाइस प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट के साथ वाइस प्रेसिडेंट है, उससे क्या लेना. वाइस प्रेसिडेंट तो पूरे देश में एक ही है, वो जगदीप धनखड़ में लिख देता हूँ. वो तो बात समझ में आ गई. वाइस प्रेसिडेंट तो एक है, जैसे प्रेसिडेंट एक है. प्रेसिडेंट को कुछ कभी तबीयत खराब हुई तो वाइस प्रेसिडेंट उसकी जगह आ जाएगा. और स्टेट गवर्नमेंट में फर्स्ट व्यक्ति क्या होता है, गवर्नर, राज्यपाल. जो राज्य की पालना करे उसे राज्यपाल कहते हैं. और जो राष्ट्र का पति हो उसे राष्ट्रपति है. वो राष्ट्रपति है, ये राज्यपाल, दैट इज गवर्नर. सो दैट इज राज्य, इसको राज्यपाल कहेंगे. और इसको क्या कहेंगे, राष्ट्रपति. यहां पर जो मेजोरिटी का लीडर है उसको क्या कहेंगे, द लीडर ऑफ मेजोरिटी इज प्राइम मिनिस्टर हो जाता है. और इसी तरीके से विपक्षी दल का भी एक नेता होता है, द लीडर ऑफ अपोजिशन. तो लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है, राहुल गांधी नहीं, वो जो एक वो बंगाली बोलते रहते नहीं, क्या नाम वो तो लीडर, ठीक है किसी को याद है, वो जिनको एक मस्सा भी है यहाँ पे बता देते हैं, ये बता देते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन बता देते हैं. Who is leader of opposition currently in Lok Sabha? Leader of opposition in Rajya Sabha Mallikarjun Khadge हैं. और वो तो उसमें राज्य सभा में, लेकिन लोकसभा में कौन है ये बता दे रहे. लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए क्या क्राइटेरिया है, लीडर ऑफ अपोजिशन. तो ये सही कह रहे हैं कि अभी बता दे रहे हैं पार्टी का, लेकिन अभी बता दे रहे हैं. नाउ 40 सीटें होनी चाहिए अपोजिशन के पास, लेकिन अब कांग्रेस के पास 30 ही सीटें, इसके पास 303 है. फिर भी लिहाज करके अरे तुम बहुत पुराने हो, तुम तो देश के राजा रहे, अच्छा तुम भी बन जाओ. इसका दिल रखने के लिए बनाए 10% होना चाहिए. तो बोलो 543 का 10% 54 सीटें होनी चाहिए. 10% है उनके पास, 30 सीटें हैं, बना दे रखने के लिए. ऐसे ही बस समझ आ गया. करेंटली हु इज लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, इसे बताना चाहिए. ठीक है, चेहरा देख ले तो भी याद आ जाए. ये है देखो, ये है ना, इनका क्या नाम, यही बोलते हैं खड़े होके, देख लो. जैसे इधर प्रधानमंत्री बैठेंगे तो इनके सामने यहाँ ये बैठेंगे. तो अभी बता दे रहा हूँ, अपोजिट बैठते हैं, बता रहा हूँ. अधीर रंजन चौधरी और यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे हैं. ठीक है ना, अब देखो जो सेकंड है स्टेट गवर्नमेंट, इसके लिए क्या होते हैं असेंबली इलेक्शंस, या इन्हें विधानसभा चुनाव कहते हैं, उसे आम चुनाव कहते हैं, और उसे क्या कहते हैं असेंबली. ऐसा क्यों, और इसे दूसरा नाम बताओ जरा मनीष, आप बता सकते हो आम चुनाव के अलावा क्या है. देखो पहले इसका लिख दे तब तुम बता पाओगे. असेंबली इलेक्शंस, या इसे क्या कहते हैं विधानसभा चुनाव. अब उसका बताओ, आप बता लो, आप ना बता पाओगे तो क्या बता पाओगे. करेक्ट, वो बता दिया उसने लोकसभा चुनाव, तुमने कहा विधानसभा तो विधानसभा. और मनीष ने क्या बताया, सर वो लोकसभा की है तो लोकसभा चुनाव बोलो. बहुत बड़ी बात बोली कि नहीं उसने, कॉमन उसमें इंटेलिजेंस है, बहुत बड़ा नहीं. दैट इज लोकसभा चुनाव. अब जैसे कोई कह दे
कि भाई हमने कहा प्रोपीन से प्रोपेनॉल कैसे बनाओगी अर्पिता, बोले जैसे इथीन से इथेनॉल बनाते हैं जैसे कोई कह दे मीथेनॉल से मीथेनोइक एसिड कैसे बनाओगे, जैसे इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बनाते हैं। तो वहां पर जैसे अल्कलाइन KMnO4, तो बोलो प्रोपीन से प्रोपेनॉल, तो कोई वो मिमिक कर रहा है, उसके लिए कॉमन इंटेलिजेंस चाहिए, दिमाग नहीं लगाना है, बात की नहीं, यहां तक बात हो गई। तो अब देखो असेंबली इलेक्शन होते हैं और ये गवर्नर है, इसके भी थ्री, देर आर थ्री पिलर्स, वैसे फोर्थ पिलर मीडिया को भी कहा जाता है क्योंकि वो भी लोगों में सजगता पैदा करता है, वो इधर की हवा चल जाए। अब ये देखो दैट इज, यहां जैसे है लेजिस्लेचर है तो इसमें भी लेजिस्लेचर होगा इस स्तर पर भी, अब विधायिका लेजिस्लेचर एट एवरी टेलर द सेम इज द अरेंजमेंट, और दूसरा कौन सा होगा एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका जो कार्य को निष्पादित करे, और तीसरी न्यायपालिका, न्यायपालिका में हमारे यहां इसमें हाईकोर्ट आता है क्या, एकलव्य आप बताएंगे कि हमारे देश में कितने हाईकोर्ट हैं, कितने स्टेट्स हैं, तो कितने हाईकोर्ट हैं, ये करेक्ट बताएं 25। इन्होंने हरियाणा और पंजाब को मालूम है, इनको एक है गोवा महाराष्ट्र का, एक बहुत बड़ी बात है, इतने कम एज में जान रहे ये 25 हो गए हाई कोर्ट है, समझ आया। तो यहाँ पर राजस्थान का हाई कोर्ट कहाँ है, जोधपुर, जो सेकंड बेस्ट सिटी होती है वहाँ हाई कोर्ट होता है। यूपी का हाई कोर्ट कहाँ है, लखनऊ के इलाहाबाद, राजधानी में नहीं होता, भीड़ बढ़ जाएगी, इलाहाबाद भीड़ बढ़ जाएगी ना, नेक्स्ट बेस्ट सिटी में होता है या नेक्स्ट लार्जेस्ट सिटी, तो जयपुर के बाद नेक्स्ट लार्जेस्ट सिटी जोधपुर है, प्रयागराज, पहले वो दीन इलाही के नाम पे इलाहाबाद रख दिया था वो प्रयाग, तो जहाँ देव प्रयाग कर्ण प्रयाग इनका क्या मतलब है, जहाँ पर दो नदियां मिलती उसको प्रयाग कहते हैं, और चूंकि वहां पर तीन नदियों के मिलने का स्थल है गंगा जमुना और सरस्वती, इसलिए उसे प्रयाग का राज कहा गया। अब देखो यहाँ पर इसमें कौन कौन आएगा बताओ जरा, एग्जीक्यूटिव में कार्यपालिका करेक्ट, हर चीज तुम ही बताओ, आज तो तुम्हें बता रही, ये लोग फिर क्या करें, बोलो करेक्ट, ये बोली आरएस, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, हर चीज अब वो पैसे की सफाई करते हैं, इसमें करते हैं सफाई करते हैं। ये देखो इसके अलावा स्टेट टीचर्स जो यहाँ अलग स्टेट गवर्नमेंट की तो टीचर रखती है ना, अपने प्राइमरी विद्यालयों में, तो स्टेट टीचर्स आएंगे, पुलिस किसके अंडर में आएगी, जो यहाँ पुलिस घूमती रहती है इसी के अंदर, पुलिस इसी की है, वो जैसा चाहिए, केंद्र का नहीं है, हर राज्य की अपनी पुलिस होती है, मध्य प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, तो दैट इज पुलिस, नहीं तो आज के न्यूज में वो क्यों कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश पुलिस पूरे भारत में सबसे अच्छा प्रदर्शन करी, बोली जय श्री राम आगे बढ़ गए पुलिस हर व्यक्ति के सामने जय श्री राम कर, उसको इंस्ट्रक्शन दिए गए वो वही करेगी, पुलिस वही थी जब हमारे पिछले रामनवमी में हम गए थे जलौरी गेट में झंडा लगाने, एक हमने कहा एक लगाने दो रामनवमी है, और वहां पर ऐसा बैन किया और फिर मुस्लिम एरिया में एक गर्दन भी कट गई, क्यों, क्योंकि गहलोत की सरकार थी, तो कांग्रेस के समय में पुलिस गहलोत की बात करती थी, और जब कल प्राण प्रतिष्ठा के दिन मैं घूमा उसी इलाके में ऐसा ताबड़तोड़ डांस लोग, पहले जब मैं घूमा था लगता था यहाँ हिंदू रहता ही नहीं है, अब वहां सरदारपुरा में आपको मैं वीडियो दिखा दूंगा, तो ऐसे लोग नाचे तो बैन कर दी थी सड़क कि मुस्लिम का प्रयोग यहाँ जन प्रयोग प्रवेश निषेध। आप समझिए कि गवर्नमेंट के बदल जाने से, क्योंकि जैसा मुख्यमंत्री बोलेगा तो लोगों ने खुलेआम जश्न मनाया, तो इस चीज को कहते हैं तुष्टिकरण, तुष्टिकरण को आप लोग इंग्लिश में एक लोग क्या कहते हैं, चुप हो जाते हंसते समय, हंसते बस चुप हो जाते, जब पूछो तो चुप हो जाते, बोलो अपीजमेंट, इस चीज को कहते हैं कि किसी एक पक्ष का फेवर करना। तुम लोगों ने ये देखा था कि फिर जब उस दर्जी की गर्दन कटी थी तो जिसको पकड़ा गया उसको यूट्यूब में ये बोलते हुए सुना गया पुलिस वालों को कि चुपचाप निकल ले, आज ताला खोल देंगे और नहीं तो बाद में मारा जाएगा, तो ये अपीजमेंट है, उसको छोड़ दिया, क्या उसे छोड़ना चाहिए अगर जो कोई गर्दन काटे, तो इस चीज को कहते हैं तुष्टिकरण, तो
उसके बेटे ने चलाया था फोन पे लिख दिया था कि वो नूपुर शर्मा सही है। अगर सिर्फ इतना लिख दिया था कन्हैयालाल तो उसके बेटे ने ये पोस्ट कर दिया था नूपुर शर्मा ने अच्छा किया और फिर उसी कुमार उसी के फोन से कर दिया था पोस्ट उसका गलत कर दिया। क्योंकि वो एक रहमानी कुछ गलत सलत बोल रहा था हमारे शंकर जी के बारे में कि तुम्हारे यहाँ तो शंकर जी जो पीनस को भगवान मान लिया गया है भला ऐसा कोई करता है। तो उसने कहा हम भी बोले तुम्हारे मोहम्मद साहब उड़ते हुए घोड़े पे कैसे गए थे इतनी बात हम भी बोले तुम्हारे बात तुम हमारे देवता के बारे में बोल रहा इतनी बात पे सारे 57 देश ने बायकॉट कर दिया था इंडिया को हम तेल नहीं देंगे इतनी बात थी भाई तुम्हारे ऊपर कोई बोला। ये एक तरीके से किसी को प्रोवोक करना ये अभी तक ऐसा चलता आया है कि हिंदू धर्मों के बारे में पहले भी राम राम कोई बोलता था तो कहते थे ये जो है एक्सट्रीमिस्ट है वो अगर और कोई बोल दे कुछ भी अपने धर्म का नाम ले तब नहीं लेकिन अगर बहुसंख्यक वर्ग कुछ बोल देता था उसको गुड मॉर्निंग ही बोलना क्रिश्चियनिटी में अगर वो राम राम बोल दे तो असभ्यता मानी जाती थी या अतिवादी माना जाता लेकिन अब कुछ नहीं है अब बच्चे आते हैं पढ़ने तो भी राम राम बोलते हैं तो गलत बहुसंख्यक वर्ग को दबाया जाता है कि एक चीज को तो ये अपीजमेंट पॉलिसी किस लिए है कि बहुसंख्यक को बांटो जो 20% मुस्लिम है उनको खुश करो उनका पूरा वोट हमें मिल जाएगा। क्या तुम्हें ये बात मालूम है कि कांग्रेस को 36 36% वोट पाती है 303 में और वो जो 30 सीट लाने वाली वो 31% 6% वोट का अंतर है सिर्फ 6% में कितना फर्क आ जाता है ये 36 और 31 5% अगर 20% मुस्लिम का पूरा एक ढेला तुमको इकट्ठा मिल जाए तो तुम्हारी चांदी ना हो जाए। लेकिन जब से तीन तलाक का मुद्दा आया ये बिल आया आदि मुस्लिम महिलाएं ही मुस्लिम पुरुष के वोट को काट रही हैं अब उनका पूरा खत्म हो गया सिस्टम तो इसलिए असदुद्दीन ओवैसी अब छटपटा रहे हैं कि कैसा किया जा रहा है इसीलिए वो विरोध कर रहे थे। लेकिन अब चीजें तो पता चल जा रही है ना कौन चुनावी इस्तेमाल कर रहा है वेलफेयर कौन कर रहा है ये चीजें होती है तो इसको कहते हैं तुष्टिकरण। अब आपने देखा कि पुलिस किसके अंडर में बोलो राज्य के केंद्र के जो मुख्यमंत्री कहेगा नहीं तो अगर नहीं करेगा तो 1 साल के 18 तबादले बस बक्सा बांधे रहो 1 महीना यार रुको 2 महीना तो तबादला तो कौन चाहता है तो इसलिए लोग सोचते हैं मुख्यमंत्री उसी के अंडर में नहीं तो मुख्यमंत्री फिर प्रशासन कैसे चलाएगा अगर तुम उसे पुलिस ही नहीं दोगे तो पुलिस किसके अंडर में है इन्हीं के अंडर में। CRPF किसके अंडर में है यही अंतर है अगर पुलिस बदमाशी करती CRPF बुला ली जाती है। जब चुनाव में आपको मालूम है इलेक्शन ऑफिसर तुम्हारे केंद्रीय विद्यालय की टीचर जाती है तो इलेक्शन ऑफिसर होता है और चुनाव पर वो पिक्चर बनी थी जिसमें वो गई थी नक्सल एरिया में नक्सलवाड़ी क्षेत्र में गई थी तो वहां बोला मैडम आप कहाँ से आई हैं लीजिए जलेबी दही खाइए और कहीं जाने की जरूरत नहीं हम ही वोट डलवा देंगे। उस एरिया में कहाँ जाएंगे वो जंगली एरिया था और वहां पर सब मतलब मार काट होती थी बोली नहीं नहीं ये गाइडलाइंस है और उसको दी थी राज्य सरकार ने 10 पुलिस होती ना हर एक इलेक्शन अफसर के पास तो अब सब सब पका गए ये तो बड़ा हठी है अभी थोड़ी दिन पहले पिक्चर आई थी तो फिर उन्होंने वहां पर सब लगा दिया टेंट फिर अब 2-4 बजे तक वोटिंग होनी थी वो ऐसा सेंसिटिव एरिया था 1:30 बजे बोले मैम अब कोई आ नहीं रहा है चलिए कोई बात नहीं आया भी नहीं कोई डालने लोगों ने मना कर दिया था नहीं जाना और अब चलिए वहीं देखा जाएगा तो फिर ये नहीं नहीं 4 बजे तक का टाइम बहुत सेंसिटिव था ड्यूटी फुल अफसर थी लेडी तो फिर वहां 2 बजे गोलियां चलने लगी नक्सलवादी आ गए तो पुलिस ने सब वो किया तब इसने क्या किया फोन कर दिया CRPF को तो फिर बाद में पता चला कि CRPF की 2 बसें भर के आ गई। तो अगर मान लो केंद्र सरकार या राज्य सरकार बदमाशी करती है तो इलेक्शन अफसर जैसे तुम्हारे 9th बुक में था कि सुरेखा वाजे दैट इज इलेक्शन ऑफिसर ड्यूटी व्हाट शी विल डू ऑन द कंपेनिंग डे व्हाट शी विल डू ऑन द पोलिंग डे एंड व्हाट शी विल डू इन द काउंटिंग डे वो क्या क्या करेगी तो उसकी अलग ड्यूटियां निर्धारित है। तो इलेक्शन अफसर को पहले कौन मिलेगा 10 पुलिस वो बदमाशी करे तुरंत CRPF को बुलाओ ये चीज होती है। तो अब यहाँ पर लेजिस्लेटिव के 2 हिस्से हैं जैसे कि हम लोगों ने बताया ये एकलव्य ने हम लोगों को बताया कि जो असेंबली इलेक्शन है चूंकि वो विधानसभा के लिए हो रहे हैं तो विधानसभा दूसरा सदन कौन है बोलो बाई कैमरल ये भी है बताए करेक्ट ये सब चीजें आज सौम्या ही बता रहे हम सोचे थे अलग अलग बताने तो दैट इज करेक्ट है विधानसभा और विधान परिषद दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल असेंबली अनाड़ियों की सभा और काउंसिल खिलाड़ियों की सभा दैट इज देखो लेजिस्लेटिव असेंबली
और दूसरा क्या है बोलो, लेजिस्लेटिव इसके मेंबर को क्या कहेंगे और इसके मेंबर को क्या कहेंगे? ये राज्य के प्रभुत्व यहां बैठते हैं, ठीक है, और ये है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो अगर विधानसभा में बैठे उसे क्या कहेंगे? विधायक, विधि से होता है तो विधायक है, ठीक है कि नहीं? और ये है, ये विधानसभा है और ये क्या है? विधान परिषद। तो चुनाव विधानसभा चुनाव है कि विधान परिषद चुनाव? क्योंकि विधानसभा के लिए हो रहा है, वो लोकसभा चुनाव है। तो ये बहुत अच्छा इन्होंने आंसर दिया, इट इज मेस्मराइजिंग, ये मंत्रमुग्ध कर देने वाला इनका उत्तर था कि ये जो चुनाव है ये विधानसभा चुनाव, और ये इसको क्या कहेंगे? ये एक और बात बता दें मनीष, इसके मेंबर को, इसको तो एमएलए कह दिया, इसको करेक्ट, जैसा इन्होंने कहा कि एमएलसी, तुम्हारे घर में है क्या ये सब? वैसे इतना जानते हो भाई, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल और वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब जरा देखें तो इसके बाद जो लेजिस्लेचर है वो हमने क्या बताया, एक है एमएलए, एमएलए कहां चुना जाएगा और एमएलसी कहां चुना जाएगा। इसमें भी एक द्विसदनीय है, इसमें एक होगा विधानसभा और एक क्या होगा, और ये यहाँ पर इधर बैठेंगे सीट का इधर मुंह करके उनके पीठ से पीठ टकराती रहेगी, तो इसमें भी विधानसभा अध्यक्ष है और ये हो गया विधान परिषद का अध्यक्ष। विधान परिषद का अध्यक्ष बोलो तो सौम्य कौन होगा? करेक्ट, जैसे इन्होंने कहा वहां बहुत बड़ी बात है, राष्ट्रपति तो उपराष्ट्रपति, राज्यपाल तो उपराज्यपाल, हर चीज ये बिल्कुल जानती है। तो इस तरीके से एमएलसी भाई उसी को तो मिमिक करेगा, एक संगठन छोटे स्तर का है लेकिन चीजें थोड़ी ना बदल जाएंगी। ये क्या बताओ, एमएल एमएलए, तो ये विधानसभा। क्या आप मुझे बता सकती हैं सौम्या, राजस्थान के विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं और उन्हें वर्तमान बीजेपी शासित सरकार ने कितनी जीत ली है? 200 सीटें, और कितनी जीत ली है बताओ? 102। बहुत अच्छा, 110 सभा। और ये क्या है बोलो, विधान परिषद, परिषद इसको लिखो, जो भी उप राज्यपाल, डिप्टी गवर्नर कहलाता है, सही कहते हो, उप राज्यपाल या उसे क्या कहते हैं, क्योंकि प्रथम व्यक्ति दूसरा व्यक्ति यहाँ बैठ जाएगा, क्योंकि विद्वानों की सभा है ना, राज्य के विद्वान व्यक्ति बैठते हैं यहाँ पर। However, they are guided by the ideologies of party. तो deputy governor. अच्छा, ये भी इसमें 6 साल का कार्यकाल है और उसमें ऊपर क्या है, 6 years tenure और ये 5 years tenure। विधानसभा है, विधानसभा में जो बहुमत दल है उसके नेता को क्या कहते हैं? चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर होगा, वैसे वहां प्राइम मिनिस्टर है, तो प्राइम मिनिस्टर का एक मंत्रिमंडल होगा और साथ में एक कोर कमेटी भी होगी, उसमें वैसे मंत्री होंगे जो बिल्कुल मुख्य मुख्य होंगे, जैसे वित्त मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, यही 3-4 होंगे। जब डिमोनेटाइजेशन होता इन्हीं को लेकर किया था। हाँ आप बताइए सीता, वो जो निर्मला सीतारमण, कि अगर मैंने डिमोनेटाइजेशन किया तो क्या क्या असर पड़ेगा। हाँ मोदी साहब अगर ऐसा करेंगे तो 2,00,000 करोड़ इधर हो जाएगा, 3,00,000 ऐसे हो जाएगा और ऐसा ऐसा। अच्छा गृह मंत्री अमित शाह जी बताइए, अगर हम डिमोनेटाइजेशन करेंगे तो क्या राज्यों में कहीं दंगे तो नहीं हो जाए? दंगे होने की संभावना कुछ कम लगती है मोदी साहब। फिर वो पूछेंगे विदेशों में, हाँ जयशंकर जी बताइए विदेशों में हमारे इस कदम का क्या असर पड़ेगा? अब कुछ ऐसा तो खास असर पड़ेगा नहीं, ठीक है तो डिमोनेटाइजेशन कर देते हैं। 3 लोग, वो ही नहीं, कपड़ा मंत्री और कोयला मंत्री और लकड़ी मंत्री से नहीं पूछे जाएंगे, वो लोग सबसे पहले अपना ही पैसा बदलवा लाए। डिमोनेटाइजेशन में तो उसे मिट्टी बन जाना है, आज रात से वो मिट्टी बन गया, फेंको कहाँ, फेंक तो नदियों में तैर रहे थे। तो इस तरीके से करना होता है। तो आपने देखा कि ये इसमें लोअर हाउस और ये कैसा है अपर हाउस, इसमें भी वही पूरा संगठन है, वैसे ही चलता है जैसे यहाँ चलता है, ठीक है कि नहीं? और इसके मेंबर को एमएलसी कहते हैं, उसको एमएलए और उसको विधानसभा चुनाव। इतनी बात समझ में आ गई। और यहाँ पर भी आपने देखा आरएस जेएस। अब इसका तीसरा टीयर जो कि राजीव गांधी ने शुरू किया था, उनका कहना था कि पंचायती राज व्यवस्था शुरू करनी चाहिए। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि जो पूरे यहाँ पर भी राजस्थान है, राजस्थान में मैंने कितनी सीटें बताई,
200 सीटें, और राजस्थान में देखा जाए तो 20 जिले हैं, तो एक एक जिले से फिर कितनी सीटें होंगी, 1, 2, 3 और ऐसे करके 20 हैं, और ये 200 सीटें हैं, तो इंटू 10 हुई। जोधपुर को 10 विधानसभा क्षेत्रों में बांटा गया। अच्छा बताओ जोधपुर में कितने लोकसभा क्षेत्र हैं, हाउ मैनी इलेक्टोरल जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं, 1, क्योंकि जोधपुर से एक जाएगा कहां बैठने, दिल्ली, वो ये तो नहीं कहेगा। और यहाँ पे इसको कितने में बांटा गया है, सरदारपुरा, इसी तरीके से और जो आसपास कहीं की जालौरी गेट, सरदारपुरा, ऐसे अलग 10 भागों में बांटा गया। सरदारपुरा कोई जानता है, यहाँ की सबसे बड़ी मार्केट है। सरदारपुरा से कौन जीतते हैं, अशोक गहलोत, और वो देश के मुख्यमंत्री, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन पूरे जोधपुर से सिर्फ एक व्यक्ति चुना जाता है, वो कौन है बोलो, इस पूरे जोधपुर से एक लोकसभा की सीट है, तो वो क्या होगा, दैट इज एमपी। और कितने जोधपुर से कितने ये होते हैं, 10 एमएलए चुने जाते हैं, एक एमपी होगा। तो जो जोधपुर का रिप्रेजेंटेटिव है वो दिल्ली में जाके क्या बोलेगा बताओ, अगर यहाँ बैठ गया कि सर हमारे जोधपुर के लिए भी 2 ट्रेनें चलवा दो, 2 हवाई जहाज, 10 बसें जोधपुर के लिए, वो ये कहेगा सरदारपुर के लिए ट्रेनें चलवा दो क्या, ऐसे तो कह दिया जाएगा अरविंद नगर और ये डिफेंस कॉलोनी में भी ट्रेनें आ जाए, पहुंच जाए, वहां की कोई बात करेगा। तो जो एक शहर का है तो शहर के बारे में अपनी बात वहां रखेगा, फिर जो लोकल बातें हैं सरदारपुरा उन सब की बातों को कहाँ रखा जाएगा, विधान यहाँ पर रखा जाएगा। फिर उसके अलावा भी सरदारपुरा में भी अगर देखा जाए तो 200 गलियां और हर 4 गलियां किसी एक व्यक्ति को बांटी गई हैं, जैसे कि पार्षद, यहाँ का जो पार्षद है 4 गलियों का, ये दयाराम भाटी है जो ये विद्यार्थी में जो केबल लगाता है। तो जब यहाँ पर आया था तो यहाँ रिजर्व सीट है हमारे यहाँ, तो क्या होता है कि कुछ एससी एसटी के लिए होती हैं, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, तो 75 और 43 इस तरीके से कुछ सीटें हमारे यहाँ रिजर्व हैं। तो ये बात हो गई कि इस बार यहाँ रिजर्व जो सीट है वो निचली जात को मिलेगी, ऐसा बोला गया कि जो शेड्यूल्ड कास्ट को मिलेगी। तो यहाँ ढूंढा गया कोई शेड्यूल्ड कास्ट नहीं था, बोला हम तो हैं भाई और हम निचली जात के हैं, पहले हमारे कपड़ा धुला जाता था, बोले ठीक खड़े हो जाओगे जाएंगे। और फिर अकेला यही था और बीजेपी के सीट के खड़ा हो गया, सब यहाँ बीजेपी के चाहने वाले, सबने इसको पार्षद बना दिया। पार्षद बनाने के बाद जब ये वहां पहुंचा, उधर सोजती गेट के पीछे जो वहां त्रिपोलिया मार्केट को गया ना, तो उसी के वहीं पर म्यूनिसिपल कारपोरेशन, तो वहां पर ये बैठा, तो वहां इसको 5 करोड़ रुपए पकड़ा दिया इंचार्ज जगहों के विकास के लिए, और अगले ही दिन इसने 2.5 करोड़ का मकान खरीद लिया। आज भी हमारे घर के बगल रहता है और नमस्ते करके निकलता है, और लेकिन हम लोग कुछ भी होता है कि हम कहते हैं भाई दयाराम भाटी हमारे यहाँ का नाला भर गया तो सफा करवा देता है, यहाँ चेयर लगवा दो, सब काम करवाता है, लेकिन लोग तो खाते तो हैं, पर हर चीज का ध्यान रखता है। 2 कुत्ते भी इसने पाल रखे हैं, बच्चे एक भी नहीं। लेकिन इसके यहाँ आया जाया जा सकता है, पर प्रसाद जो ये जो है ना दयाराम भाटी जो पार्षद है, तो उसके पास हर एक की एक्सेस है, तुम्हें अपने एरिया का कोई भी, अगर कोई सरदारपुरा का होता तब तुम एक्सेस कर पाते, लेकिन जो 4 गली को देख रहा है उसको तो किया जा सकता है। इसीलिए राजीव गांधी ने कहा था कि हम एक तीसरी टीयर की भी चाहते हैं, जिससे लोगों को पावर शेयरिंग मिले, और वो चीज ज्यादातर अगर किसी के पास मान लो ये सरदारपुरा का जो पार्षद होगा ये होगा ना जो 10 भागों में बांटा गया, 10 के आगे और फिर उसके और 10 करो तब जाके इसके हाथ कुछ लगे, तो उनको जो ये है 5 करोड़ नहीं मिलता, वहां 100 करोड़ 200 करोड़ की बात, तो वो तुम्हारी गली का नाला क्यों ठीक कराएगा जिसको 200 करोड़ मिला है, जबकि ये करा देगा। तो इसलिए पावर शेयरिंग जरूरी है कि नहीं। अब हम थर्ड टीयर की बात करेंगे। थर्ड टीयर क्या है, सो मैनी पीपल ऑफ इंडिया इज टेकिंग डेमोक्रेसी, ये भी पॉलिटिक्स एज ए कैरियर, बिकॉज द बिलीव इन डेमोक्रेसी हैज इनहांस्ड नाउअडेज, तो एक्सटेंसिव है और लोगों को चांस भी मिलता है, लगता है कि बन जाएंगे। अब देखो जो थर्ड टीयर है उसको कहते हैं कि लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, इधर ध्यान दीजिए, लोकल गवर्नमेंट में इसके 2 अंग हैं, एक तो लेजिस्लेचर, कोई कानून नहीं बनता इनके हाथ में नहीं, ये पार्षद जाके कानून बनाए, तो इसलिए एक एग्जीक्यूटिव होगा, और दूसरा क्या होगा, जुडिशरी,
अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि भारत में ये जो अपना छोटे छोटे वो हैं या किसी भी डिस्ट्रिक्ट, ये तो हमने देखा ना जोधपुर के लिए, तो जोधपुर की जुडिशरी कौन संभालेगा? डीएम, वही आईएएस में से एक बहुत प्रतिभाशाली। हमारे देश में बहुत आईएएस हैं, 3,000-4,000 भी होंगे, और उनमें से जो 12 प्रधानमंत्री के लिए हैं, 3 गृह मंत्री के लिए, इन सब का ग्रुप है, ये सब कुछ जानते हैं और गवर्न करते हैं। बोलो दिल्ली में वो कहाँ बैठते हैं? अगर दिल्ली में किसी को बम गिराना हो तो पार्लियामेंट में गिरा है, सुप्रीम कोर्ट में गिरा है, कि वहां के सेक्रेटेरिएट में गिरा है? वहीं ये सब सचिव बैठते हैं, ये सलाहकार कहलाते हैं। सचिव का मतलब ये, दीज आर एडवाइजर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो अगर हम देखें तो संसद के पास ही सचिवालय है, वहीं सारी फाइल है, वहीं पीएमओ ऑफिस है, प्रधानमंत्री ऑफिस है। अगर वहां गिरा दो तो देश पंगू हो जाए, सबसे ज्यादा कड़ी, यहाँ तक कि पार्लियामेंट से ज्यादा कड़ी सुरक्षा सचिवालय की है, क्योंकि दीज आर द ब्रेन, वही मेंस है आईएएस। तो इस तरीके से ज्यूडिशरी, उन्हीं में से एक व्यक्ति जोधपुर में डीएम बना के भेजा गया। तो अगर पूछा गया कि भाई क्यों बैठे हो, हमारा एक आदमी मर गया, एक्सीडेंट हो गया, लो 5 लाख रुपए का चेक, अच्छा जाओ, ठीक है। हाँ सर, उसके हाथ इतनी पावर होती है, कोई पूछने भी नहीं आएगा उससे क्या तुमने दिया कितना। तो दैट इज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। देख लो, जब अंग्रेज थे तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उन्होंने पहले अपना बनाया था कि सबसे टैक्स कलेक्शन करना है, उन्होंने ये पावर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ही दी थी, इसलिए उसका नाम पहले कलेक्टर कहलाता था। आज भी लोग मुहावरे में बोलते हो, कहेंगे तुम कलेक्टर हो क्या जो ये सब कर रहे हो, तो कलेक्टर इसी को कहते थे, ठीक है कि नहीं। तो डीएम है, और ये कौन होता है? आईएएस, आईएएस कैडर का कोई अधिकारी जो कि डीएम बनता है। अच्छा, एग्जीक्यूटिव में देखो, एग्जीक्यूटिव में अगर कोई शहरी क्षेत्र है तो उस क्षेत्र में क्या होगा, वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में आएगा, और उसको वार्ड कहेंगे। जहां 2000 लोग हों तब वार्ड बनेगा, जहां 20,000 लोग हों तो जाकर के एक विधानसभा क्षेत्र बनेगा, और जहां 2,000,000 लोग हों तब एक संसद, वो एक सांसद बनेगा। यानी एक पार्षद कितनों को करेगा? 2000, 20,000 को कर ले तो वो वहां पर हो जाएगा विधायक, और इसी तरह से 2,000,000 को कर ले, बात समझ आ गई कि नहीं। तो एग्जीक्यूटिव में क्या हो सकता है बताइए? वार्ड होंगे, और क्या होगा बोलो बेटा अभिषेक? नीचे नहीं, ऊपर ही बता दे। बहुत अच्छा, दैट इज विलेज, बड़ी बात है। उतना बता, इसमें कितने मेंबर्स होने चाहिए, कितने लोग होंगे वोटर्स? दो, है ना, काफी देर से नहीं सुने। दैट इज 2,000 एडल्ट वोटर्स, जो वोटिंग जिनको राइट, वार्ड में भी उतना ही हो, 4 गलियों में मिला के 2,000 लोग हो जाते हैं, तो 4-4 गली का एक वार्ड होता है। वार्ड में जो चुन के जाएगा उसे क्या कहेंगे? यस, अदरवाइज दयाराम बाटी कौन है? पार्षद। दैट इज, और कितना पापा पेन लेते हैं, दैट इज पार्षद। और ये विलेज में कौन होगा बेटा? 9th से पढ़ रहे थे तो हमारे पास 9th से हो, काफी देर से भूले। हाँ बोलो सर, आज एक में भी ये फुट मार्क्स नहीं लाए मालूम है, कितनी बात हो गई। तो अब जो पार्षद हैं, सारे पार्षद कहाँ बैठेंगे? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो सोजती गेट है ना, एक बना हुआ गेट सा, तो उसके पीछे, जिसके पीछे त्रिपोलिया मार्केट जाती है, यहाँ से जब हम घंटाघर जाएंगे, स्टेशन जाएंगे, स्टेशन जाते समय वो पड़ता है। तो दैट इज, और उसके बाहर सफाई कर्मचारी, इनके अंदर में, पार्षदों के अंदर में कौन है? सफाई कर्मचारी, वो बाहर खड़े रहेंगे, यस सर, नो सर, झाड़ू लेके, यस नो, झाड़ू चालू, झाड़ू बंद, वो बिल्कुल सिपाही है, वो ये लोग गवर्न करते हैं। दयाराम भाटी आता है, अभी झाड़ू नहीं लगाई, अभी लगाते हैं मालिक, सर। तो ये एग्जीक्यूटिव है, तो इनके अंदर में जल निगम, विद्युत निगम, ये सब आ जाएगा, सब कुछ है। JDA जोधपुर में जितना विकास हो रहा है, इसमें जितने इलेक्ट्रीशियंस हैं या कुछ भी है, कितने भी शिल्पी हैं, बनाने वाले, सब इसी में, जोधपुर का जितना भी। तो इसलिए पार्षद कहाँ बैठेंगे बोलो? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। और बोलो इनका, इनका हेड कौन होगा? ये मान लो ये सारे पार्षद हैं, और इन पार्षद के सामने यहाँ एक बड़ी सी बेंच होगी, उनमें कौन बैठेगा?
तो दैट इज मेयर। मेयर बहुत पैसे वाला होगा, वो सबको खिला पिला देगा और सबको बोलेगा मेजोरिटी लोग हमें वोट दे दो, मेयर बन जाएगा। मेयर एक तरीके से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है और ये सेलेक्टेड आईएएस का सिलेक्शन होता है, चुना थोड़े में जाता है। ये दोनों जब किसी एक ही मंच पे आ जाते हैं तो इनके बीच में टेंशन होती है, वो ऐसे में तो वो सोचता है हम बड़े तुम बड़े। मेयर तो 5 साल के लिए, वो बहुत समय के लिए होता है, तो इसलिए टेंशन होती है, दोनों का घर देखने लायक होता है। मेयर समझ आ गया? तो मेयर जैसे यहाँ पर है, ये पूरी चीज क्या बताइए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और ये बैठा कौन है रोमिन? थोड़ा एंटीसिपेट भी करो बेटा, पार्षद। अच्छा इसी के मान लीजिए कंकार्ड में इसके समकक्ष बताओ यहाँ क्या चीज होती होगी, ये कहाँ बैठेंगे? पंचायत तो उसके गांव में ही होती, तो दैट इज ग्राम परिषद, परिषद, ठीक है। अब देखो यहाँ सब सरपंच बैठे हैं और इनका हेड कौन होगा बोलो? ग्राम प्रधान। तो ये यहाँ पे मुकुट कौन लगाएगा? दैट इज ग्राम प्रधान। तो गांव में जो सारे पंच बैठ जाएं तो सरपंच का, तो ये हुए सरपंच, इनको भी उतना ही पैसा मिलता होगा। बात समझ आ गई कि नहीं? ये तो बात हो गई, अभी तक तो हम लोग सेक्टर पे पहुंचे ही नहीं, लेकिन इतनी बात हो गई, इतनी बात समझ आ गई। तो अब इतना ही लगती है, बाकी क्या करेंगे, अभी कल तो नहीं है ना पेपर, फिर हम कल इसको करा देंगे। क्या पीडीओ? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो हर एक ब्लॉक में कितने सीट है, कितने वोटर है, इनके लिए ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कौन लगाता है बता देंगे कल, एक बार देख के पूरा फ्लो चार्ट में बता देंगे।